Hello everybody, welcome back to my channel Techie Tuesdays, and you are listening to Charu, your technical tutor. So in our lecture number 5, we are going to study the capabilities and limitations of computer. And first of all, we are going to study the capabilities of computer, which you can say the advantages of computer. So friends, the first advantage is speed. We all know that the computer ki speed human ki speed se kafi zyada hoti hai. Agar kisi kaam ko complete karne ke liye human ko 1 second, 1 minute ya 1 ghanta lagta hai, wahin computer us same kaam ko नैनो सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई लेटर भेजना हो बाय पोस्ट, तो उसे रिसीवर तक पहुंचने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो 15 दिन या 1 महीने भी लग जाते हैं. लेकिन अगर सेम लेटर हम बाय कंप्यूटर भेजते हैं या बाय मेल भेजते हैं, तो रिसीवर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, उसे कुछ सेकेंड में ही उसका लेटर रिसीव हो जाता है. सेकेंड एडवांटेज है एक्यूरेसी. कंप्यूटर फास्ट काम करने के साथ साथ हमें एक्यूरेसी भी प्रोवाइड कराता है. और ऐसी बहुत कम या बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं जब कंप्यूटर के रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं होती है. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ह्यूमन बीइंग बहुत फास्ट काम करता है, तो 40% चांसेस होते हैं कि उसके दिए गए रिजल्ट में एक्यूरेसी ना हो. थर्ड एडवांटेज है हमारा रिलायबिलिटी. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ह्यूमन बीन से आप किसी एक टास्क को या किसी एक काम को बार बार रिपीट करवाते हैं, तो एक पॉइंट पर आकर या तो वो बोर हो जाता है या तो थक जाता है. लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है, वो किसी भी टास्क को कितने भी बार परफॉर्म कर सकता है कंटिन्यूसली. फोर्थ एडवांटेज है अडैप्टेबिलिटी. कंप्यूटर एक ही टाइम पर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम किसी ह्यूमन को बोलें एक ही टाइम पर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए एक या दो से ज़्यादा काम करना एक टाइम पर पॉसिबल नहीं होता है या बहुत ज़्यादा टफ होता है. फिफ्थ है हमारा स्टोरेज. एक ह्यूमन ब्रेन भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि एक टाइम पर आकर वो उसे भूल जाए. लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है. कंप्यूटर कितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है अनलिमिटेड टाइम के लिए. इसका मतलब, जब तक कंप्यूटर ख़राब ना हो जाए या यूज़र खुद अपने डेटा को डिलीट ना कर दे, वो उस डेटा को स्टोर करके रखता है. अब हम देखते हैं अगला हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर या डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. तो सबसे बड़ा और सबसे पहला एडवांटेज है हमारा लेक ऑफ कॉमन सेंस. कंप्यूटर के पास उसका खुद का कॉमन सेंस नहीं होता. इसका मतलब, जब तक यूज़र उसे खुद का मान ना दे या जब तक यूज़र उसे कोई एल्गोरिदम ना दे, कंप्यूटर खुद के दम पर कोई भी काम नहीं कर सकता है. अगला डिसएडवांटेज है हमारा जीरो आईक्यू. कंप्यूटर का आईक्यू लेवल ज़ीरो होता है. इसका मतलब, ये ना ही किसी कंडीशन को खुद ब खुद देख सकता है, ना ही उसके बारे में सोच सकता है, ना ही उसे परख सकता है और ना ही खुद उसे सॉल्व कर सकता है. इसके लिए उसे यूज़र के कमांड की ज़रूरत होती है. लास्ट डिसएडवांटेज है हमारा लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग. कंप्यूटर के पास ना खुद का कॉमन सेंस होता है और ना ही आईक्यू होता है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाता है. किसी भी डिसीजन को लेने के लिए या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसे या तो यूज़र के डिसीजन की या तो उसकी परमिशन की ज़रूरत होती है. तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग थम्स अप. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई विल पोस्ट द वीडियो. थैंक यू सो मच.